गुड इवनिंग बच्चों, तो माय नेम इज कृष्णानंद साहू और आपका प्यारा सा चैनल कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स लाइट, जिसके बारे में आप लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चिन्ह परिपाटी क्या होती हैं, उसके बाद अवतल दर्पण के सूत्र के लिए स्थापना किए थे हम लोग, अवतल दर्पण के सूत्र का स्थापना किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों उत्तल दर्पण के सूत्र की स्थापना, तो देखते रहिए और फोकस करते रहिए। तो आते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध, ओके, UVF में संबंध, UVF में रिलेशन, रिलेशन निकालने वाले हैं। कैसे निकलता है बच्चों? तो क्या आप रेडी हैं? यस, आइए क्या करते हैं बच्चों। सबसे पहले माना मुनि करने वाली कहानी है, माना एक उत्तल दर्पण है, माना एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण M1 और M2 है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष XX' है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है, ओके? बच्चों, हमने कल पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट ना, कि अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो अगर यहाँ पे एक वस्तु हम रख दें, तीस किरण को हम समांतर मान लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये चीज़ें, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ध्रुव P से u दूरी पर एक वस्तु O रखेंगे, एक वस्तु O रखते हैं और वस्तु O जो है, चूँकि दर्पण के विपरीत है तो वस्तु की दूरी को मैं बोलता हूँ क्या, माइनस यू। आपको पता है ये माइनस यू क्यों होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कशन किए थे, ओके बच्चों? तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, ये अनंत से आ रही प्रकाश किरण, इसे समांतर मान लेते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। बच्चों, जब इन किरणों को हम पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी और अपने ही मार्ग में सीधे निकल जाती है, टकरा कर वापस चली आती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होगी और वापस टकरा कर चली आएगी। जब इनको भी काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो हमको आभास होता है कि ये जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब आई बनता है, ठीक है। अब हमको पता है बच्चों कि गोली दर्पण की जो नॉर्मल होता है अभिलंब कहाँ से पास होकर जाता है, वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से पास करके जाता, तो ये देखिए ये अभिलंब पास कर रहा है,
ठीक है, यह विलंब हो गया आपका। आपको पता है, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये हो गया ना यहाँ पे। इस बिंदु को मैं बोलता हूँ बच्चों यस। अब यस से मैंने क्या किया, मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक अभिलंब डालते हैं एस एन, एस एन। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अगर इस कोण को मैं बोल दूं थीटा, तो परावर्तन कोण भी बराबर होता है ना, तो इस कोण को मैं क्या बोल दूं थीटा। बोलिए ये बात समझ में आ रही है। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण थीटा, और इसके बीच में परावर्तित और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण, यानी उसको भी मैंने बोल दिया थीटा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये बात क्लियर है। हमने एस से एन पर एक अभिलंब डाला जिसका हाइट क्या मैंने बोल दिया एच है। अब बच्चों यहाँ पर देखो सभी दूरियाँ दर्पण की दूरी, इमेज यहीं पर बन रहा है, इस इमेज की दूरी प्रकाश की दिशा में है ना, तो इमेज की दूरी हो जाएगी उत्तल दर्पण के लिए प्लस भी, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से आर। ओके, अब वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है फोकस दूरी। क्लियर है बात इतनी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस एंगल को मैं बोलूँगा अल्फा, इस एंगल को मैं बोलता हूँ क्या इसको, ये एंगल हो जाए, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, सिरसा विमुख कोण से, सिरसा विमुख कोण से अपोजिट एंगल से। ओके, और ये इसको मैं बोलता हूँ गामा, इसको मैं बोलता हूँ इस वाले को, ये बाहरी एंगल है ना, इस एंगल को मैं बोलता हूँ बीटा, ठीक है बीटा बोल दिया मैंने, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है अतः पी एन के बहुत ही पास होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है अतः पी एन के पास होगा। ओके, अतः पी एफ इक्वल टू एन एफ, काफ़ी पास है ना इसलिए इसको मैंने इसे कर दिया, ठीक है ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा गामा। तो आते हैं यहाँ से, ये हो गया ना यहाँ पर, अब निकालेंगे हम लोग, देखिए ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ओ एस एन, दोनों पास में है ना, तो क्या हो जाएगा ट्रेंगल ओ एस एन इक्वल ट्रेंगल, बराबर दोनों पास में है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ एस पी में। ओके, तो टेन अल्फा निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू हाइट अपान बेस, यानी हो जाएगा लंब बटा के आधार माइनस यू। इसी प्रकार निकालेंगे टेन बीटा, तो ट्रेंगल एस एन आई में, ये दोनों पास में है तो ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे आपस में बराबर लेंगे, तो एस एन आई में,
क्या हो जाएगा, टेन बीटा इजकल टू बीटा जोड़ के हाइट अपान बेस यानी एच अपान वी। चूंकि एंगल बहुत छोटा है बच्चों तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वनली अल्फा के। टेन बीटा ये भी एंगल बहुत छोटा बना रहा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बीटा के। अच्छा ये सर क्यों अल्फा बीटा हो रहा है, ध्यान दीजिए एंगल अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ से मान लो ये दूरी बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है ये बच्चों, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अतः इस एंगल को टेन अल्फा को हम बोल सकते हैं नियरली अल्फा, ओके ना, ठीक। तो टेन बीटा हो गया यहाँ से, इसी प्रकार निकाल लेंगे क्या टेन गामा, तो टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेंगल एस एन सी, एस एन सी में, एस एन सी में क्या हो जाएगा आपका, टेन गामा इक्वल टू हाइट, हाइट अपान बेस, बेस क्या हो जाएगा ये आर। एक मिनट देख लिया जाए, ये दिख रहा है क्या कैमरे में, ठीक है बच्चों दिख रहा है, टेन गामा इक्वल टू एच अपान आर हो गया। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, वनली गामा के, ओके ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा बन रहा है। यहाँ तक हमको अल्फा बीटा गामा का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बस एक और कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, हमारी ये कहानी हो जाएगी। तो हम लेंगे ट्रेंगल ओ एस सी में, ओ एस सी, ओके बच्चों, तो लेंगे ट्रेंगल ओ एस सी में। देखो कैसे है ये ट्रेंगल, दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ऐसा है कि नहीं, इधर देखिए इधर यही है ना, ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे है ना, ऐसे ये अल्फा है और ये गामा और ये क्या है आपका थीटा। किसी त्रिभुज का बाह्यतम कोण, किसी त्रिभुज का बाह्यतम कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे एंगल थीटा इजकल टू अल्फा प्लस गामा, किस प्रमेय से है, समीकरण एक मैं बोलता हूँ, किस प्रमेय से, बाह्यतम कोण प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ट्रायंगल, ये समझ में आ गया, इसी प्रकार ट्रायंगल देखिए ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल एस सी एफ में, ये देखिए ये वाला, ये ट्रेंगल ऐसा है ना कुछ, ये ऐसा, ये ऐसे है, ये देखिए ऐसा है ना, ये थीटा है, ये क्या है गामा है और ये कितना है बीटा, अंतः कोण योग बराबर बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बीटा बराबर थीटा प्लस गामा, इक्वेशन टू, किस प्रमेय से, बाह्यतम कोण प्रमेय से, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा का मान, थीटा का मान समीकरण दो में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण एक का मान दो में रखने पर, एक का मान दो में रखने पर तो क्या आ जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू थीटा की जगह अल्फा प्लस गामा प्लस गामा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस टू गामा, समीकरण तीन बन गया। अब लिखेंगे समीकरण तीन में
तीन में, समीकरण तीन में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, तो क्या आएगा बच्चों, बीटा का मान कितना है यहाँ से, एच अपान भी, तो बीटा इजकल टू अल्फा प्लस टू गामा, बीटा की जगह एच अपान भी, अल्फा की जगह एच अपान माइनस यू, और गामा के स्थान पर क्या है बच्चों, गामा के स्थान पर एच अपान आर, टू इंटू एच, आर की जगह क्या रख देंगे, टू एफ, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से, एच अपान वी इजकल टू एच अपान माइनस यू प्लस एच अपान एफ, एच क्या मिलेगा का कैंसिल आउट करेंगे तो वन अपान वी, ये माइनस वाला इधर आएगा तो वन अपान यू इजकल टू वन अपान एफ, यही है बच्चों उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट होगा बच्चों तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो ये रहा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना, क्लियर है, चलिए मिटा रहा जाए। उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद करने वाले हैं इस पर क्वेश्चंस, तो आते हैं मिटा रहा जाए। तुझको बड़ा था इंतजार, क्या सर आपने तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, ड्राइवेशन करा दिया, आपको सर कुछ समझ में नहीं आता, बच्चों का जान लेंगे क्या, पढ़ क्यों रहे बच्चों, पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाँ पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं कुछ, चलिए अब क्वेश्चन पर करते हैं, क्या चीज, क्वेश्चन, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन बोलता है क्या, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु है 10 सेमी दूरी पर रखी गई है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी दूरी पर, लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ओके ना, फिर बोला हमसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और क्या बोला है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रकृति स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा रेखाचित्र डायग्राम भी इसका बना देंगे बच्चों, देखना ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ओके ना, तो क्या क्या डाटा में दिया है देखिए, एक उत्तल दर्पण दिमाग में आना चाहिए, उत्तल दर्पण है तो क्या क्या मानेंगे, सामने 5 सेमी लंबी वस्तु है 10 सेमी दूरी पर है रखी गई है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या बोला है, पहले ज्ञात है हमें जानकारी क्या क्या है, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु है ना, तो वस्तु की लंबाई
वस्तु की लंबाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। फिर बोला क्या है, लंबी वस्तु 10 सेमी दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी कितनी होगी? u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? तो फिर क्या बोला है, रखी गई है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण है ना, तो वक्रता त्रिज्या क्या लेंगे इसमें, माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? तो वक्रता त्रिज्या आर लेंगे क्या, प्लस में, प्लस 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ कितना हो जाएगा, 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर। फिर बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी भी पूछा हुआ है और इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो बोला है क्या, लंबाई दे चुका है, यू दे चुका है, एफ दे चुका है, तो यहाँ से प्रतिबिंब भी निकाल लिया जाए। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से क्या सर, कितना दर्पण लगाते हैं आप? 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 1/f का मान कितना है, 15 है, v का मान निकालना है आपको, u का मान कितना है, u का मान है -10 सेंटीमीटर। ओके, तो 1/15 = इसको इधर कर लें या ऐसे चले करते हैं, पहले -1/10 हो जाएगा, माइनस किधर लाएंगे तो 1/15 + 1/10 = 1/v होगा। यहाँ से बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 5 2 5 3 3 6 5 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 = 1/v। तो 5/30 हो जाएगा = 1/v, कटेगा तो 1/6 = 1/v, तो v = कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी v का मान हमको प्राप्त हो गया। अच्छा, इमेज प्राप्त करना है ना, तो इमेज के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, I/O = दर्पण के लिए -v/u। इसको करने वाले हैं ड्राइव, हम लोग करेंगे अभी पिछले लेक्चर में, तो ये फार्मूला भी याद करिएगा आप लोग, ठीक है, तो इसी के बाद करवा देंगे। ओके, तो I का मान निकालना है, O का मान कितना है, 5 है, V का मान कितना आया है आपका, 6 आया है, U का मान कितना है आपका, -10। ओके, सो कैसी हवा है ये, कैसी सजा है, 5 × 30/-10, काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी आपको इमेज का भी हाइट मिल गया हमको। सर प्रकृति कैसी होगी, ये तो पता करना है ना हमको, तो उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो प्रकृति कैसी होगी, या तो पहले देखिए इमेज बनाकर दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इमेज, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक, और यहाँ से ये क्या रहा इसका मुख्य अक्ष, पी सी बीच में एफ। अब बताइए कि वस्तु की दूरी कितनी है और फोकस दूरी कितना आया हमारा, फोकस दूरी 15 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 15 हो गया। उसके बाद वस्तु दूरी कितनी है, 10 है ना, वस्तु दूरी कितनी है, 10, तो यू कितना है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, ये अब कितना है आपका, -10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक। और यहाँ से भी कितना निकला है, 6 ना, यानी आपका प्रतिबिंब कहीं इसके बीच में बनने वाला है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जब इन किरणों को हम काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, वक्रता केंद्र सी से लेकर जाएंगे ऐसे, और ये भी क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी ना, टकराएगी और वापस चली जाएगी। जहाँ पर ये किरणें कट करेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। और बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये वाला ये 6 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो आभासी, नीचे बनेगा तो वास्तविक। तो यहाँ पे प्रकृति क्या हो जाएगी बच्चों, अगर मैं प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति हो जाएगी आभासी सीधा, ठीक है। और क्या पूछा है, लंबाई हो जाएगी इसकी कितनी, 3 सेंटीमीटर, ओके ना। और ये डायग्राम हो जाएगा, क्या ये मेरी बात क्लियर है, एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, चलिए सर, आपको तो क्या है, आपको तो चलना ही है, इतना सर आप बोलते हैं, आप थकते नहीं है क्या, ये सब जो कहानियाँ चलती हैं ना बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड मेरा थोड़ा सा घूम गया है, इसको पेपर पिंच मारना पड़ेगा। सर पेपर पिंच क्या होता है, यहाँ पे बोलिए ना, क्लिप मारना है। अरे हाँ बच्चे वही है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कुटुप कुटुप चलते जाओ, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, बंटू तेरा